हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय राम जी की। स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल धवज की रसोई में। और दोस्तों, मैं आज मैगो की बहुत ही यूनिक और टेस्टी यमी यमी रेसिपी लेकर आई हूँ, तो वीडियो एंड तक देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना वीडियो पे, और ज़्यादा ही अच्छी लगे तो अपने परिवारों पे इसे शेयर करना। और हाँ दोस्तों, मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। तो चलिए, हमने ले लिए दो मैंगो, और मैंगो धो पोंछ कर साफ कर लिए हमने। इनको छीलकर कट कर लेते हैं, और इनकी इतनी मज़ेदार, इतनी यूनिक, इतनी टेस्टी रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए हमारे साथ किचन में इसे बनाते हैं। तो हमने कढ़ाई ली, उसमें थोड़ा सा आधा कप पानी डाल दिया हमने। पानी से दूध हमेशा चिकता नहीं है, और हम ले लेंगे एक लीटर के करीब दूध। ये हमारा फुल मलाई वाला है, नहीं कि हमारा घर का दूध है तो इसमें मलाई तेज ही है। आप चाहे तो बगैर मलाई का भी दूध ले सकते हैं। इसे उबालेंगे हम 2-3 उबाल तक, ये अच्छा गाढ़ा हो जाए तब तक। और हमेशा दूध में इस बार ऐसी कढ़ाई हमें बनाते हैं, तो 2 टीस्पून के करीब इसमें घी, शुद्ध घी डाल दीजिएगा, ताकि ये जले नहीं नीचे। तो हमने 2 टीस्पून घी डाल दिया है, शुद्ध वाला। और आप चाहे तो इसे नॉनस्टिक बर्तन में भी बना सकते हैं, उसमें चिकता नहीं, आसानी से बन जाता है। चलाते हुए इसे हमें उबालना है, क्योंकि ये दूध है जम जाता है, नीचे जलने लगता है। जो आपके पास हो वो वाला मिल्क ले सकते हैं आप। ये हमारे घर गाय का दूध था, तो हमने उस तरीके से हम इसे चलाते हुए ही उबाल लेंगे। चलिए दूसरी स्टेप की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मैगो मिल्क केक बन रहा है। तो चलिए मैगो की ओर चलते हैं अब। तो हमने मैगो ले लिए हैं 2। ये हमारे मैगो है, नहीं 500 ग्राम। तो मैगो को हमने धो के साफ कर लिए हैं, और ये काले वाले इसके डंठल निकालेंगे और छील के तैयार कर लेते हैं हम। इनमें से हम मैंगो हमारे छिला चुके हैं, तो हम मैंगो को मिक्सर में काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर इसमें डालेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे पीस करके इसमें डाल लेंगे। मैंगो मिल्क केक बनाए ना, तो मीठे वाले आम लीजिएगा, बड़े वाले मीठे, कोई से भी ले लीजिएगा, पर मीठे आम होने चाहिए, मैंगो होने चाहिए मीठे वाले। दोनों आम को हम इसी तरीके से कर लेंगे, दूसरे वाले आम को भी हम छील लेंगे इसके से। दोनों मैंगो हमने काट कर मिक्सर में कर लिए हैं, और इसको हम लाते हैं पीस कर बारीक एकदम। तो चलिए फिर अब इसे पीस कर लाते हैं। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से इसे बारीक सा एकदम पेस्ट बना लिया मैगो का। मैगो पीस भी बन के तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसे हम ऐड करेंगे मिल्क, जो हमारा उबल रहा है उसमें। मिल्क भी हमारा काफ़ी उबल चुका है, ये देखिए गाढ़ा हो गया है ये। अब इसमें हम डालेंगे मैगो, और इसे हमें अच्छे से मिल्क में मैगो को मिक्स करना है, अच्छे से चलाते हुए, और मध्यम आंच रहना चाहिए इस समय, नहीं तो मिल्क और हमारा मैगो नीचे जल जाएगा और इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो मध्यम आंच पर इसे मिक्स कर लीजिएगा अच्छे से। तो चलाते हुए अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से एक जैसा ही होना चाहिए, इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए, और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम उसे इस तरीके से। तो इसे पका लेते हैं मध्यम आंच पर। चलाते हुए पकाते हुए हमें इसमें मीठे के हिसाब से शक्कर ऐड करना है, चीनी। तो मैं 1 कप के करीब, जैसे चाय पीते हैं ना वो वाले कप है, तो उसी कप से 1 कप शक्कर इसमें डाल रही हूँ चीनी को। तो 1 कप चीनी हमारी इसमें ऐड कर दी। इसे भी हमें साथ साथ पकाना है, और जितना मीठा आपको चाहिए उस हिसाब से आप चीनी शक्कर डाल सकते हैं। तो चीनी को जब तक शक्कर हमने डाली है, तो इसे 1 उबाल आने तक गैस को तेज रहने दीजिए, तेज आंच पर पकाइए, ताकि चीनी हमेशा पानी छोड़ती है, तो ये जल्दी से पक सके, और फिर इसे मध्यम आंच में पकाइए। तो ये हमारी 1 उबाल आ गई, अब हम मध्यम आंच में पकाएंगे, और आइए आइट साइड का इसे निकालते हुए पकाइए। बहुत ही ईजी है ये रेसिपी, और ये चिकता भी नहीं है, जलता भी नहीं है नीचे, ये तले में नहीं जलता है, ये देखिए है ना। तो मिल्क मैगो को हम चलाते हुए ही पकाएंगे, ये बात का विशेष ध्यान रहे। और हम डालेंगे इसमें 1/2 चौथाई इलायची पाउडर। अगर आपको इलायची का फ्लेवर अच्छा डालिएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें यूनिक टेस्ट आएगा, इसलिए हमने इलायची फ्लेवर इसमें ऐड किया रहा है। और आपको मैगो ही मिल्क मैगो का ही चाहिए, तो इसमें ना डालिएगा। मिक्स कर लेते हैं इसे, और हमारी चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है,
और ये देखिए टाइट हमारा मेगो मिल्क होने लगा है थोड़ा थोड़ा सा, तो इसे चलाते हुए पकाना हमें, चलाते हुए ही पकाना है। तो ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हमारा ये हमारे पास ये मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर, तो इसको डालेंगे हम 3 टीस्पून, तो 1 चम्मच डाल देंगे, फिर हम इसको मिला लेंगे। मिला कर चला एक बार डाल लीजिए, फिर मिला लीजिएगा इसे। फिर से हम 1 चम्मच डालेंगे और इसे इसे मिला लेंगे और फिर से हम 1 टीस्पून लेंगे मिल्क पाउडर को और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। तो अब देखते हैं, हमने 3 टीस्पून डाला है, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से पकाएंगे इसे। इतना पकाएंगे कि कढ़ाई छोड़ने लगे और पक रहा है, तब तक हम दूसरे स्टेप की तैयारी कर लेते हैं। ये काफ़ी हद तक टाइट होने लग गया है, थोड़े से हम 1 मिनट और पकाएंगे इसे और अच्छे से आटे के डो में आ जाएगा तब तक। और ये तब जल्दी से, तो इस तरीके का हमने ये टीन सेट ले लिया है, ये डब्बा हमारा तो हर घर में अवेलेबल होता है ये वाला। अगर आपके पास ये वाला ना हो तो जो केक टीन आता है ना उसमें बना सकते हैं, और ये तो हर घर में अवेलेबल होता है, कोई सा भी डब्बा ले लीजिए इस तरीके का। और इसमें हम रखेंगे इस तरीके का पेपर, तो इसे रखना ज़रूरी है, इसको अच्छे से जमा लेंगे हम। हमने अच्छे से जमा लिया, इस पर हम लेंगे 1 टीस्पून के करीब घी और घी से इसे अच्छे से कवर कर लेंगे सारे, इसको इस तरह कवर कर लेंगे। हमने सारे इसमें घी को कवर कर लिया है अच्छे से। और अब लेंगे हम थोड़े से ड्राई फ्रूट पिस्ता, तो ये वाले है हमारे पास फ्रूट, तो थोड़ा सा लुक अच्छा आएगा। तो इसमें डाल देंगे हम पिस्ता, तो ज़्यादा नहीं है, थोड़े से है। अगर आपको अच्छे ना लगे तो ना डालिएगा, आप ऐसे भी बना लीजिएगा, और अगर आए तो डाल लीजिएगा। तो ये लीजिए, हम इसमें इस तरीके से, तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से आटा इसका, और इसको हम थोड़ी सी देर और इस चलाते हुए सेट करेंगे। तो काफ़ी अच्छे से ये देखिए इस तरीके का ऑयल छोड़ने लगे, तब समझ जाइए अच्छे से परफेक्ट हो गया है सेट करने के लिए। तो अब गैस को कर देते हैं बंद हम और इसे निकाल लेते हैं। हमारा टीन है पिस्ता वाला जिसमें हमने निकाला है, तो इसी में हम निकालेंगे, तो बहुत ही सावधानी से निकालिएगा। और इसमें थोड़ा सा हमने इस तरीके की कटोरी ली है, उसमें थोड़ा सा घी लगा लिया है और इस तरीके से इसे हम सेट कर देंगे। चम्मच की मदद से भी कर सकते हो, लेकिन कटोरी से क्या हो थोड़ा इजी हो जाता है। और ऐड कर दिया है और इसे इस तरीके से हमें थोड़ा सा करना है, और ये देखिए इसे हम थोड़ा सा इस तरीके से कर देंगे अच्छे से सेट हो जाए। तो अच्छे से हमने इक्वली से सेट कर लिया है, और अब इसको रखेंगे हम फ्रिज में ओवरनाइट के लिए रखेंगे फ्रिज में। अगर आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर में भी सेट कर सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स हमने फ्रिज में इसे रखा था ओवरनाइट, नॉर्मल टेम्परेचर में रखा था, ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं रखा था। हमें सुबह खाना था इसलिए हमने फ्रिज में रखा। अगर आपको तुरंत बनाना तुरंत खाना हो तो 1 घंटे में भी फ्रिज से निकाल सकते हैं। तो हम इसको निकालेंगे, कर लेंगे हम थोड़ा सा साइड से ताकि ये निकल जाए, तो बहुत ही आसान है। और इसको इस तरीके से प्लेट में रख के हम निकाल लेंगे, निकालना बहुत ही आसान है, देख ली पन्नी, उसको आराम से निकाल लेंगे देंगे, और इसे आराम आराम से हम निकाल लेते हैं, बहुत ही इजी निकल जाता है। ये देखिए कम सामान में और बहुत ही कम समय में बन जाता है। मेगो को भी पकाया तो इतना सामान तो लाजमी है लगना, और देखिए इसे बहुत ही अच्छे से निकल गया है। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा मिल्क मेगो केक बनकर रेडी है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है ना तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि हमें ना आपका कमेंट का इंतज़ार रहता है। और इसे देखिए हम कट करके बताते हैं आपको, एकदम केक स्टाइल में कट करेंगे, बहुत दानेदार बना है ये।
लीजिए, हमने इसको इस तरीके से केक काटते हैं वैसे ही काट लिया है आपको। तो आज हमारा मैगो केक बनके तैयार हो गया है और ये देखिए बहुत दानेदार बना है। ये देखिए जैसे दानेदार हमारा मिल्क केक बनके रेडी है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की, गुड बाय।